नमस्कार, नेशन अपडेट डॉट इन, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नगर समेत समूचे अंचल में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। क्षेत्र के प्रसिद्ध देवालय श्री राजीव लोचन मंदिर का पट सुबह 4:30 बजे खुला। भगवान का विशेष रूप से अभिषेक, पूजा व श्रृंगार किया गया। श्री राजीव लोचन जी को कृष्ण भगवान के रूप में जामा पहनाया गया। बुजुर्गों की मान्यता है कि भगवान श्री राजीव लोचन रंगों के इस पर्व में भक्तों के साथ होली खेलने मंदिर प्रांगण में भ्रमण करते हैं। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने भगवान राजीव लोचन के साथ अबीर गुलाल के साथ होली खेली। भक्त और भगवान के बीच ऐसी होली अन्यत्र कहीं नहीं खेली जाती। वहीं भगवान राजीव लोचन प्रातः बाल्यावस्था, दोपहर युवावस्था व संध्या वृद्धावस्था में नजर आए। दोपहर 3 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक पूरा मंदिर परिसर सतरंगी गुलाल की बौछार से सरोवर रहा। इस अवसर पर विशाल प्रांगण में नंगाड़ों की थाप पर होलियारे थिरकते रहे। इस अवसर पर अंचल व दूर दराज से आए हुए भगवान के भक्तों के द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग उत्साह व उमंग के लिए प्रातः स्मरणीय भगवान श्री राजीव लोचन जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुँचते हैं। फाग मंडलियों के द्वारा फाग गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें समूचा गगन मंडल गुंजायमान हो गया। सबसे खास बात यह रही कि मंदिर प्रांगण में क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या युवतियां, क्या महिलाएं, सभी एक समान सामूहिक रूप से नंगाड़े की थाप पर नाचते गाते व एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते नजर आए। आनंद आता है होली खेलने में, दर्शन में बहुत अच्छा लगता है। मैं कई सालों से आ रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ, जब से हूँ सवाल तब से यहाँ, कई सौ साल से यहाँ भगवान राजीव का यहाँ परंपरा है होली खेलने का। हमारे आस पास के पूरा क्षेत्र, राजीव क्षेत्र के लोग सब यहाँ आते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद देते हैं राजीव लोचन का, और सब अपने हिसाब से मेरे रंग में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मैं मुलाकात करते हैं। क्या है, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है यहाँ भगवान राजीव लोचन के यहाँ पे होली खेल के। पूरे छत्तीसगढ़, पूरे क्षेत्र के मेरे जो परिवार जैसे हैं, उन सभी को मेरी बहुत होली की शुभकामनाएं, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, तनाव मुक्त रहें, क्योंकि आज के आधुनिक जीवन में तनाव बहुत रहता है। तो बस ये कि स्वस्थ और प्रसन्न रहें, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद राजीव लोचन भगवान के लिए, इसे मैं अपनी राजीव की जनता और छत्तीसगढ़ के लिए मानता हूँ। होली का पर्व उमंग और भाईचारा का पर्व है, जिसमें सब बुजुर्ग, युवा, बच्चे, माताएँ, बहने सब मिलजुल कर होली मनाते हैं। और हमारे इस राजीव नवापारा की जो गौरवमयी परंपरा है, वो परंपरा हमेशा कायम रहे। सैकड़ों हजारों लोग आज के दिन यहाँ पर आकर भगवान राजीव लोचन के चरणों में रंग गुलाल अर्पित करते हैं, और एक दूसरे के माथे पर गुलाल लगाकर खुशियों का उजागर करते हैं। मैं अपनी ओर से, अपने समस्त मित्रों की ओर से पूरे क्षेत्रवासियों को, अंचलवासियों को और इस पावन पूजा में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। होली की बधाई। तो अभी बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूले nationupdate.in। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल nationupdate.in।